हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से और एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड करते टाइम एक अपडेट नज़र आए होंगे, आप लोग देखे होंगे जब वीडियो लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, जब अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद तब हर एक डिटेल्स फिल करने का बारी आते हैं, लास्ट में और एक डिटेल्स ऐड हो चुका है जो ऑल्टर्ड कंटेंट करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये ऑल्टर्ड कंटेंट होता क्या है आज इस वीडियो के अंदर आप लोग को पूरा तरीके से समझूंगा। और ऑल्टर्ड कंटेंट के अंदर जब जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएगा, एक येस बॉक्स और एक नो बॉक्स। तो इस कौन सा बॉक्स में वीडियो अपलोड करते टाइम आपको टिक करना है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को नॉलेज भरी कंटेंट मिलते रहेगा। तो दोस्तों, एक ऑल्टर्ड कॉन्टेंट नया फीचर नया लॉन्च किया है अपडेट यूट्यूब के अंदर, जो बहुत सारा यूट्यूब चैनल का अंदर बहुत सारा ऐसा चैनल है जिसका अंदर AI रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है। हो सकते हैं AI कंटेंट मतलब जो फोटो जनरेट होता है, हो सकता है या वॉइस ओवर करता है AI का मदद से, ऐसा चैनल बहुत सारा आ चुका है। तो वो सारा चैनल जब वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब का अंदर, तब आपको वो ऑल्टर्ड कंटेंट का अंदर जाने के बाद आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। हो सकता है आप भी ऐसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपका वीडियो का अंदर कोई भी पार्ट AI का मदद से बना हुआ है, AI से रिलेटेड बना हुआ है, हो सकता है फोटो, हो सकता है वॉइस ओवर किया हुआ है, हो सकता है कोई इमेज जनरेट किया हुआ है। तो आपको हमेशा ऑल्टर्ड कंटेंट के अंदर जाने के बाद यस करना है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो AI का द्वारा बनाया गया है, AI रिलेटेड आ चुका है, मतलब AI उसका अंदर आया है उस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए आपको यस करना है। मेन पॉइंट पे आता हूँ, अगर एक बात से कहा जाए तो अगर आप AI रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आपको हमेशा ऑल्टर्ड कंटेंट के अंदर जाने के बाद यस करना है, अदरवाइज आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको जैसे वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे मतलब डिटेल्स भरते हैं, टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हर एक चीज़ सही तरीके से पहले जैसे था वैसे ही लिखना, अदरवाइज आपको अल्टर्ड कंटेंट के अंदर यस या तो नो करके वीडियो पब्लिक कर देना। तो ये था दोस्तों अपडेट यूट्यूब के अंदर जो अल्टर्ड कंटेंट करके बहुत सारा दोस्त समझ नहीं पा रहा था जो कौन सा अपडेट आया है, कैसे इसको मतलब कौन सा यस करो कौन सा नो करो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरा तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो का अंदर अच्छा तरीके से समझ नहीं पाए होंगे, अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक हुआ होगा या समझने में कोई दिक्कत होगा, जरूर एक कॉमेंट कीजिएगा, ताकि आपके लिए और एक बार बेहतर वीडियो बना के आप लोगों को समझा जाएगा। दोस्तों, यही था आज वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, तो आज वीडियो इतना तक, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट कोई अगला वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू दोस्तों।